तो ये देखिए, ये है पबजी वालों के हाल। धूप लग रही है ना, यहाँ देख रहे हो स्कूल से मिल रहा टेबलेट काम करने के लिए, और यहाँ पबजी खेल जारी इनमें। हेलो दगड़े, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तेजुने गेव के बारे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग रहेगा जहाँ हम गाय चराने जाते हैं, गाय को चारा खिलाने जा रहा हूँ मैं भी। देखो ये बैल है दो, उनको लेके जा रहा हूँ। चल 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 चल। तो दगड़े मैं जा रहा हूँ आज गाय को चारा खिलाने के लिए, तो मेरा जो रास्ता रहेगा वो रहेगा यहाँ से, यहाँ घूम के जाऊँगा इधर से, और ये जंगल 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 होके जाना है मेरे को, और ठीक उस पार। चलो आपको भी दिखाता हूँ उधर, आज पहले हम बहुत जाया करते थे वहाँ पे। चल बैल यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पानी पी रहे हैं। देखो तो ये हमारे गांव का गधेरा है, कभी कभी हमारे यहाँ पे पानी आता नहीं तो यहीं से हम यूज़ करते हैं, इसलिए जाते हैं इधर से। इधर सब देख सकते हो गधेरा, और यहाँ बैल देखो पानी पी रहे हैं, और नीचे की साइड देखो मेरे को इधर जाना है इस वाले रास्ते पर, इधर से मैं आया हूँ। तो पानी तो ही पी चुके हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से। चलो दगड़े मैं पहुँच गया अभी जंगल जहाँ से एंट्री होती जंगल की, मैं भी वहाँ पे खड़ा हूँ। तो यहाँ से आगे पूरा जंगल जंगल मेरे को होके जाना है। चल 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 चल। तो ये यहाँ से जंगल चल, तो दगड़े आज मैं जा रहा हूँ बैलों को वहाँ लेके जहाँ लगभग हमारा आधा बचपन वहीं गुजरा हुआ है, गाय बैलों के साथ में, बकरियों के साथ में जाते थे हम वहाँ पे, बहुत सारी मस्तियाँ करते थे। यानी डेली का हमारा यही टारगेट रहता है, स्कूल से आना, छुट्टी होने के बाद सीधा वहाँ चले जाना, कभी छुट्टी है तो कुछ मतलब ये लगा लो कि वहाँ जाना ही जाना है। वहाँ कभी क्रिकेट खेलते थे तो कभी कबड्डी, अटको, पकड़म पकड़ाई, और ये सारी चीज़ें बोल बहुत मस्तियाँ किया करते हैं वहाँ पे। चलो 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 आगे बढ़ो आगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं जंगल के बीच में खड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ जंगल जंगल है। ये देखिए पूरा जंगल 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 जंगल, ऊपर नीचे आगे पीछे सारा जंगल जंगल। ओए क्या कर रहे हो, खुजली लगी हुई है, खुजली कर रही इस पे। चल 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 अभी तो मैं जंगल में अकेले जा रहा हूँ, बाकी वहाँ पे तो मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ पे और भी भाई लोग जा रखे हैं, तो वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, हमारे बचपन के दिन ताज़े होने वाले हैं। तो वहाँ पे पहले ही वो आगे निकल गए, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं घर से ही लेट निकला था, तो वो लोग पहले निकल गए थे, वो वहाँ पहुँच चुके हैं और हम भी जा रहे हैं। तो दगड़ ये रहा हमारा गाँव, यहाँ से कुछ इस तरह दिख रहा है। दगड़े मैं पहुंच गया हूं अपने लोकेशन की ओर। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं कहां पे खड़ा हूं, यहां से देख सकते हैं आसपास भाई साहब नजारे, ये देखिए। तो पहले हम लोगों का आधा बचपन ही गुजरा हुआ है इसी वाली लाइन पे, इधर उधर वो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, इधर ऊपर भी है। वाह ब्यूटीफुल यार, मजा आ गया आज तो गाइस, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। और सामने आपको एक गांव दिख रहा होगा, ये गांव है ताली गांव, और
जो ये दिख रहा है आपको पहाड़ ऊपर नीचे गधेरा है, तो ये नीचे गधेरा दिख रहा आपको, तो यहीं से मेरा स्कूल का आना जाना का रास्ता था। मैं आ रहा था वहाँ से, सामने स्कूल है कुटिया खान स्कूल, तो कुटिया खान स्कूल में पढ़ाई करता था, वहाँ से मैं आता था जो गधेरे 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 ठीक यहाँ पे। तो यहाँ से भी आपने देख ही लिया होगा इतना दूर आ गई, तो पहले हम इतनी दूर इतनी दूर स्कूल आते थे। हवा चल रही है बड़ी मस्त, प्यारे जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। तो गाइस मैंने बैल तो यहीं भी छोड़ दिए और मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, वो लोग अभी वहीं हैं उधर ही बैठे हुए हैं, तो मेरा अभी उधर जाने का मन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बैठा यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। मतलब यार इतना सुकून की, इतनी सुकून की ज़िंदगी, चारों तरफ पहाड़ पहाड़, हवा चल रही है बड़ी प्यारी वाली सुकून वाली हवा चल रही है, और मैं बैठा हूँ मस्त करके यहाँ पे। हाँ दगड़े देख रहे हो आप लोग, वो कितनी दूर पे खड़ा है वहां से आवाज मार रहा है, देखो ये वहां से आवाज मार रहा है यहाँ, और यहाँ से वहां उसका रिप्लाई दे रहा है उधर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ पूछने के लिए ना फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है, बस इधर ही से आवाज़ मार दो उधर तक पहुँच जाएगी आवाज़, मतलब यहाँ से कहीं दूर दूर तक आवाज़ मार दो तुम पहुँच जाएगी, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन की ज़रूरत ना है। अभी देखना मैं आया हूँ ना यहाँ पे, तो ये सारे के सारे पबजी खेल रहे हैं, अभी ऊपर से वो स्वेटर वगैरह ला रखे होंगे या टावल टूवल जो भी है वो ऊपर से रखा हुआ है, तो पबजी खेल रहे हैं। तीन यहाँ बैठे हुए हैं और एक वहाँ बैठा हुआ है, ये देखो पबजी वालों की हाल है, नीचे से आवाज़ भी आ रही है कह रहे पबजी नहीं खेल रहे फ्री फायर खेल रहे हैं, ये देखो यहाँ देख रहे हो स्कूल से मिल रहा टैबलेट काम करने के लिए और यहाँ पबजी खेल रही इनमें, तो ये देखिए ये है पबजी वालों की हाल, धूप लग रही है ना तो ऊपर से ये रखा हुआ है स्वेटर निकाल के और अंदर पबजी खेल रहे बैठ के, ये देखो। पबजी वालों को तो मैं अभी छोड़ाया है, वो अपने पबजी खेलने मस्त हो रखे हैं, तब तक मैं आपको इधर की जगह दिखाता हूँ, देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है। ये देखिए नीचे आपको गांव दिख रहा है, ये खंदोरी गांव है, एक बार जूम करके दिखाता हूँ, तो ये रहा खंदोरी गांव। और हाँ मेरे पास बॉबी भाई का मैसेज भी आया हुआ था अगले जो मैंने डाला था ब्लॉग, तो उसमें आया था कि भाई हमारा घर नहीं दिखाया, तो मैंने बोला था भाई अगले ब्लॉग में दिखाऊँगा, तो बॉबी भाई ये रहा घर आपका, बाकी कभी उधर जाऊँगा तो पूरा सही से दिखा दूँगा। दगड़ों में जहाँ पर गया था बैलों को लेने के लिए मैं वहाँ से तो घर पे आ गया हूँ,
और वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना पाया, वो इसलिए कि मेरी फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, तो इस चक्कर से मैं ज़्यादा वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया। और अभी मैं जा रहा हूँ बांझ लेने के लिए, जिस रास्ते पर बैल लगी मैं गया था उसी रास्ते में जा रहा हूँ अभी, और उधर ही जा रहा हूँ जहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि जंगल स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं मैं जा रहा हूँ अभी, वहाँ से बांझ लेके आऊँगा घर पे, और फिर मिलता हूँ आपको। तो दगड़े में बांझ लेके भी आ गया, मैं पहुँच गया घर पे, और शाम के हो रहे 6:30, अंधेरा हो चुका है। और तो दगड़े इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय।